Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So today I'm going to tell you people some cute summer hairstyles. So yeah, actually summers में लड़कियों को बहुत ज़्यादा problem होता है due to their long hairs and मेरे तो इतने लंबे बाल नहीं है. Then also like in summer due to my hair sometimes I'll get irritated, like literally sometimes I'll thought like I'll go to some salon and I'll cut my hair there only. Because it's like, oh my god, too much hectic. Like every we are in open air, then हमेशा बाल फेस के पास आता है और उसके वजह से और ज़्यादा गर्मी लगता है. और समर्स में ऐसे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण बालों में भी बहुत ज़्यादा स्वेट होता है. हम लोग ओपन एयर करके बाहर घूम भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते ड्यू टू दिस समर. एंड या सो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू पीपल ओनली. So today I'm going to tell you people some summer cute hairstyle. So without wasting lot of time, let's just get into the video. आपको भी अगर मेरी तरह सामने में छोटे छोटे बाल है तो you can do one thing. So for the first look I'm going to take my front hair back. अगर आप उन लड़कियों में से हैं वो लाइक समर में भी ओपन हेयर करना बट कम्फर्टेबल भी रहना एंड जैसे कि उनके बाल उनके फेस पे ना आए, सो फॉर देम I'm doing this hairstyle. So this is half pony yes. So आप एक चीज़ कर सकते हैं, you can take front all hair in the back and उसके बाद just take a rubber band. आप कोई अलग सा क्यूट सा रबर बैंड भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल, अगर आपको इतना फैंसी नहीं पसंद देन नॉर्मल भी ले सकते हैं. सो या एंड आप अपने पोनी को थोड़ा सा ऊपर करके कीजिएगा. सो ये आप देख ही सकते हैं विद इन वन मिनट माई हेयर स्टाइल इज़ कम्प्लीटेड एंड ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है. और आप अगर चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा खींच के मिस्त्री बना सकते हैं. सो ये बाल मुझे हमेशा परेशान करता है, या यू कैन सी दिस इज माय हाउ पोनी एंड ये लुक मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जस्ट अ हाफ पोनी और बाल फेस के पास भी इतना नहीं आता. सो हमारा फेस भी मतलब अट्रैक्टिव लगता है, फेस पूरा दिखता है. तो या यू कैन डू दिस हेयर स्टाइल. फॉर द सेकेंड हेयर स्टाइल आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस ओनली. सो आई एम गोइंग टू डू अ हाफ बन. सो आप नॉर्मल बालों से भी कर सकते हैं या फिर यू कैन ब्रेड योर हेयर, तो वो थोड़ा ज़्यादा नीट लगेगा और अच्छी तरीके से भी होगा. सो कटिंग माई ब्रेड, सो मैं थोड़ा थोड़ा इनको फैला चुकी हूँ. केयरफुली आपको इसको राउंड करना है. जस्ट टेक अ बॉबी पिन एक या दो एंड सॉरी फॉर माई बेबी हेयर्स. सो ये भी है. सो दिस इज द सेकेंड लुक. एज यू कैन सी थोड़ा सा मेसी हो गया बट द सेकेंड लुक आई एम गोइंग टू मेक अ पोनी टेल. सो सबसे पहले आप अपने सारे बालों को अच्छी तरीके से पीछे ले लीजिएगा. आई लाइक हाई पोनी टेल. सो इग्नोर माई मेसी हेयर क्योंकि मेरे बाल हमेशा ऐसे ही रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई. सो आफ्टर सिक्योर आई एम जस्ट गोइंग टू सिक्योर विद द रबर बैंड. आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा एलिगेंट गुड लुक और ये आपके फेस को भी एक अच्छा सा शेप देता है. एक्सेप्ट माई बेबी हेयर्स, इग्नोर दम अगेन. सो या दिस इज द थर्ड लुक एंड फॉर द फोर्थ लुक आई विल कंटिन्यू विथ दिस पोनीटेल ओनली. सो एज यू नो समर इज़ देयर एंड समर में हम लोगों को हाई बन बनाने में बहुत अच्छा लगता है और हाई बन अभी ट्रेंड में भी है.
high tide burn. So yeah, so I'm continuing with this burn on this ponytail only. So just I'll round and round and yeah. So again I'll just square with one or two bobby pins, a tic tac clips. I think a tic tac clips. देख सकते हैं कितना ज़्यादा नीट एंड अच्छा लग रहा है. और इफ यू वांट यू कैन एक्सरसाइज आल्सो योर हेयर विथ सम क्यूट क्लिप्स. सो फॉर दैट आई हैव दिस टू क्लिप्स. सो आई थिंक आई गो विद दिस वन. सो इफ यू वांट यू कैन पुट दिस हेयर. तो मेरे नज़रिए से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इस क्लिप को लगाने के बाद वो क्यूट भी लग रहा है. सो आपको अगर ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा तो अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो एंड डू टैग मी इन माय इंस्टाग्राम. आई विल लिंक ऑल माय सोशल मीडिया साइट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो गो एंड चेक दैट आउट. फॉर द नेक्स्ट हेयर स्टाइल आई एम गोइंग टू गो विथ माई दिस ओपन हेयर ओनली. अगर आप लोग उन लोगों में से हैं हु लाइक्स टू लाइक ओपन हेयर में रहना है, उन लोगों को अच्छा लगता है बट वो लोग चाहते हैं कि उनके फेस में भी बाल ना आए या फिर मतलब लाइक फेस में बाल ना आए, आँखों में बाल ना आए, वेन दे विल लाइक स्वेट तो बाल मुँह में ना आए. सो फॉर देम आई एम गोइंग टू डू दिस लुक. सो फॉर दिस लुक जस्ट आई एम टेकिंग माई फ्रंट सेक्शन एंड जस्ट आई एम कॉमिंग दिस वन एंड अगेन आई एम टेकिंग वन मोर सेक्शन फ्रॉम बैक. एंड आपको अगर फ्रंट ब्रेड बनाना आता है आप वो भी कर सकते हैं बट ये मुझे ईजी लगता है. सो ये आई एम गोइंग विद दिस लुक. सो जस्ट इधर जस्ट आपको इसको एक से दो बार ऐसे रैप करना है देन अगेन सिक्योर विद सम बॉबी टिक टैक क्लिप्स, वन और टू टिक टैक क्लिप्स. तो आप अगर चाहते हैं आप इस साइड को भी वैसे ही कर सकते हैं. डू केयरफुली ताकि आपके बाल ज़्यादा खींचे ना, तो बाल खींचने की वजह से टूटते भी बहुत हैं. और सो या जैसे देख ही सकते हैं मेरे इंट्रोडक्शन में मेरे बाल मेरे फेस के पास थे तो वो इतना क्लियर इतना अच्छा एलिगेंट लुक नहीं दे रहा था. एंड नाउ यू कैन सी आप मेरे फेस को अच्छी तरीके से देख सकते हैं. ये हेयर स्टाइल मेरे फेस को एक अच्छा सा शेप भी दे रहा है. सो या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. वो साइड में जो छोटा सा घंटा है ना तो उसको भी क्लिक कर दीजिएगा. व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल यू विल गेट नोटिफाइड. सो या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. सी यू. बाय बाय.